टोटल छः थे, अभी वो दो और आ गए, ये अंकल ले आए पौधे और भी। अब जो है ना इसको हम इसको अंकल ऐसे निकाल लो। जी जी ऐसे पकड़ो। ठीक है, अब इसके अंदर आग दे दो। काम जो है जी खत्म हो गया है, रंबा जो है ना धो रहे ये ना मार खा लेनी है। पापा क्या कहना चाहेंगे आप इनके बाजे सुन के, क्या कहना चाहेंगे? फिर से एक बार ऊंची पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा भाई बात सुनो, सारे बताओ बाजा बजा के तुम लोगों को क्या मिलता है? तो यार फाइनली हम जो है ना अभी जा रहे हैं नर्सरी, और बहरिया के इर्द गिर्द जो है ना एक दो नर्सरीज बाहर भी बनी हुई है और अंदर भी बहरिया के नर्सरी है। हम बाहर वाली में जा रहे हैं और वहां जाके आपको दिखाते हैं कौन सा पौधा लेना है, उसका क्या साइज है, कितने का मिलता है और कौन सा मिलता है, वो आपको सारी चीजें दिखाते हैं और अभी चलते हैं। तो हम बहरिया से बाहर आ गए और नर्सरी के अब हम पास हैं, तो वहां बस पहुंचने वाले हैं। तो ये हम अभी नर्सरी के अंदर पहुंच गए हैं, तो अभी लेते हैं पौधे शौधे और पूछते हैं कौन सा लेना है। तो अभी हमारा जो है ना वो हो गया डन। कौन सा पौधा है पापा? बकैन जी। वो जो है ना असल में जल्दी बड़ी हो जाती है और उसका शेडो भी बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा ये कि वो जल्दी खराब भी नहीं होती, तो वो जो है ना ले लेते हैं। ये नर्सरी के अंदर पहुंच गए सारे, देखो पौधे शौधे पड़े हुए हैं, ध्यान से चलना पड़ेगा नीचे। हाँ ये देखो सारे गमले शमले पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ से जो है ना मेरा ख्याल पौधे निकालने कहीं अंदर करके पड़े हुए हैं उधर, चल निकाल लें। ठीक है पापा, हमारे पौधे एक्सपर्ट अंदर जाके देखेंगे अब कौन सा सही है कौन सा खराब है। ये पौधे जो है ना अभी जा रहे हैं, हमने 6 करवा ली हैं, तो अब इसको ना अलग अलग जगहों पे लगाएंगे, आपको पूरा जाके दिखाते हैं। तो भाई ये डाले का फायदा होता है, यहाँ सारे पौधे आराम से पूरे आ जाते हैं। ये होता है ना फायदा। चलो यहाँ जो है ना आप रखवा लेते हैं अपने सारे पौधे। ये नर्सरी के सामने ही जो है किप्स भी बना हुआ है, किप्स मैट्रिक और वो इंटर इवनिंग कोचिंग शोचिंग वगैरह, और साथ में वो काफ़ी सारे स्कूल है, अमेरिकन लाइफ स्टफ और दूसरा किप्स स्कूल है, ये दूसरा वो मैट्रिक वगैरह के लिए सीनियर होगा, और यहाँ कोई मेडिकल साइंसेज कॉलेज वगैरह भी बने हुए, काफ़ी चीज़ें हैं। 3 पौधे आ गए हमारे, अभी 3 और आने, टोटल 6 थे, अभी वो 2 और आ गए, ये अंकल ले आए पौधे और भी। चलें फिर इसको ऐसे लटा दें नीचे, अगर हाँ ऐसे गिर ना ना जाए। तो ये देख लो जी, यहाँ जो है ना हम इनको सारे को लोड कर लिया है और अब घर जाते हैं, और उसके बाद वहाँ जगहों को देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं कहाँ कहाँ लगानी है। 6 पौधे हमारे पास टोटल, और अपने जो गार्डनर अंकल माली उनको भी कॉल करते हैं, उनको भी बुलाते हैं। 300 रुपये का एक पौधा था लेकिन हमें 200 रुपीज़ का एक मिला, क्योंकि हमने लिए भी ज़्यादा और हमें बार्गेनिंग भी की, और हमारे जानने वाले भी हम यहाँ से मतलब हमेशा पौधे लेते हैं, तो जान पहचान बनी हुई है यहाँ से, हमने काफ़ी सारे पौधे पहले भी लिए। तो अब हमने अपना फैसला कर लिया कि हमने 200 रुपये का पौधा लगाना है और 400 रुपये का बाजा नहीं बजाना। अब आप ही अपना फैसला कर लें, आपने बाजा बजाना है या 200 रुपये का पौधा लगाना। तो यार हम घर पहुंच गए, अब इन पौधों को उतार के सर अपने गार्डन में रख दे। अच्छा तो अंकल अरसलान आ गए हैं, अब जो है ना एक हम पहले अपने गार्डन के अंदर लगाएंगे पौधा, शुरुआत अपने गार्डन से करते हैं, फिर बाहर देखते हैं कहाँ कहाँ लगाना। तो भाई ये जो है ना यहाँ गड्ढा हो गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं अंकल अरसलान ने सही किया कि नहीं। चलो जी अभी गमले में से निकाल लिया और अब इसको लगाते हैं अंदर। ये जो है ना हमारा गार्डन है और यहाँ साथ ही जो है ना दूसरे घर का गार्डन है, अब हम यहाँ जो है ना खड्डा खोद रहे हैं अंकल अरसलान, और अब यहाँ पौधा लगाएंगे। ये रहा हमारा पौधा दूसरा। अब जो है ना इसको हम इसको अंकल अरसलान ऐसे निकाल लो। जी जी ऐसे पकड़ो। ठीक है अब इसके अंदर आग दे दो। ओके दुआ कर लो, दुआ। हाँ अल्लाह करे भाई ये सारे पौधे चले, ऊपर मिट्टी डाल दूं? डाल दो। ओके जी 4 पौधे रह गए हैं और एक जो है ना वो सामने लगेगा, और जो पीछे बाजे बज रहे हैं ना मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ काफी सारा घास है, तो अंकल अरसलान जो है ना पीछे खोदेंगे और इसको अंदर लगा देते हैं। यार ये जब जितने भी बाजे बजाने मुझे जहर लगने हैं सारे, जितने भी लोग हैं बाजे बजा रहे हैं पीछे, फायदा कोई नहीं है बाजे बजाने का। चलो लगाओ स्वीकी जो बैठो। शाबाश चलो। हाँ बैठो। ये भी जो है ना हमारे बिल्कुल सामने वाला घर है नेबर्स का, तो उसके अंदर हमने लगा दिया। हाँ जी इधर छाँव की जरूरत है, तो अब हम इधर जो है ना एक पौधा लगाएंगे। अच्छा इस बकैन का ये फायदा होता है काफी ज्यादा फैल जाती है और ये जल्दी बड़ी भी हो जाती है, खराब भी नहीं होती, ऐसे ही है ना? छाँव भी ज्यादा होती है। अब इधर एक और घर है, यहाँ भी जो है ना हमने उनसे परमिशन ले लिया, अब यहाँ भी जो है ना यहाँ पौधा लगा देते हैं। चलो जी अब ये भी जो है ना निकल आया,
अब यहाँ लगा देते हैं। तो यार हमें अच्छी बात ये मिली है सुनने के लिए, अंकल अरसलान कह रहे सुबह का तकरीबन उन्होंने 100 पौधे लगा दिए हैं और अभी मेरा ख्याल 3 बजे हैं अंकल अरसलान, 3 बजे हैं अभी, तो सुबह के इन्होंने जो है ना 100 पौधे लगा दिए, माशाल्लाह लोग लगवा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि पाकिस्तान को भी हम जन्नत बना सकें। अंकल अरसलान बता रहे हैं वो भी जो पौधा लगे अंकल अरसलान पहले सुबह लगा के गए हैं, अब एक यहाँ लगा देते हैं। चलो जी अब यहाँ भी लगने लगा है पौधा, हमारा लास्ट था पौधा, हमने 6 लगा दिए पौधे। तो अगर पाकिस्तान में समझ लें माशाल्लाह तकरीबन 23-24 करोड़ आबादी है, तो उसमें से अगर हम 2 या 3 करोड़ लोग भी पौधे लगा दें ना एक एक भी, तो देखिए कितना ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। तो ऊपर जाके अपने कमरे में सुकून से मैं इस बारे में आपसे बात करता हूँ और हम कंपेरिजन करेंगे बाजे का और पौधे का ऊपर जाके, आपने लाजमी सारे क्लिप्स देखने हैं। चलो ये अच्छा, बारिश ज़्यादा तेज़ होने से पहले पहले हमारा काम जो है ना ख़त्म हो गया, तो बारिश जो है ना भी थोड़ी देर में ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इधर काम वाले बेचारे आते हैं इसलिए हमने लगाई ताकि वो छांव में बैठ सके। हाँ जी सर, जितने भी तो इसी में सब ये पैसे वाले हैं ये बैठते हैं ठीक है। तो अंकल अरसलान का कहना है कि सुबह जो है जितने भी मेड्स आते हैं काम करने आते हैं लोग, वो जो है ना छांव में बैठ जाते हैं, जहाँ जहाँ छांव की जरूरत थी हमने वहाँ वहाँ लगाए हैं पौधे। मतलब ये पीछे भी देखें छांव की काफ़ी ज़रूरत थी हमने लगा दिया, आगे भी थी, तो हमने 6 पौधे लगाए हैं। इंशाल्लाह अगली बार, मेरा ज़्यादा बड़ा विजन है अगली बार 14 अगस्त के ऊपर हमने 100 पौधे लगाने हैं और हम बांटेंगे लोगों में पौधे और वो सारे अपनी अपनी जगहों पे जाके लगाएंगे। अगली बार का काफ़ी बड़ा मिशन है मेरा। काम जो है जी खत्म हो गया है, रंबा जो है ना धो रहे हैं, ये ना ये मार खा लेनी है, रंबा जो है ना धो लिया है। और अंकल अरसलान आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे साथ हमारे तामून किया, कोऑपरेट किया। हाँ भाई दरख्त लगाओ और सवाब कमाओ। हाँ जी सही बात है, सारे दरख्त लगाओ। अब मैं आपको अपने गार्डन में दिखाऊं ना, तो ये देखो यहाँ भी यहाँ भी, हाँ सारे हमने जो है ना लगाए हैं अंकल अरसलान की मदद से। और यहाँ देखो सारे यहाँ गमले भी हैं, जितने भी ये फ्रूट्स के सारे दरख्त लगे हैं, इन्होंने कुछ सालों में ऊंचे ऊंचे हो जाना है, वो सारे जो है ना हमने ग्रीन किया हुआ है। हाँ ये देखे माशाल्लाह हमारे फ्रूट जो है ना उगा भी है, ये है वो ग्रेप फ्रूट। अच्छा जी आप जो है ना अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के जो माली अंकल है वो इतना अच्छा काम करते हैं ऐसे हमारे अंकल अरसलान करते हैं। ये देखो जरा, ये देखो अंकल अरसलान के हाथों से सारे पौधे लगे हुए हैं और देखो इनके ऊपर सारे फूल जो फल उग गए हैं, अमरूद भी लगे हुए थे और पीछे अनार भी लगे हुए हैं। हाँ दिखाएं जरा, ये देखें जी अंकल अरसलान की मेहनत की वजह से माशाल्लाह हमारे गार्डन के अंदर जो है ना ऐसे सारे फल लगे हुए हैं। ये देखिए ये अंजीर हो गई, ये आम हो गए, और ये भला क्या था अंकल अरसलान? रगाट। अच्छा वो जो खट्टियां सी होती हैं, अच्छा ये वो है। और ये वो किन्नू, ये किन्नू, ये पपीता, माशाल्लाह इससे तो हमने बड़े खाए हैं। अंकल अरसलान बताएं कैसा टेस्ट था इसका? बहुत अच्छा टेस्ट था इससे, माशाल्लाह इस बार इतना फल लगा ज्यादा माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो जी यहाँ जो है ना और भी, ये कौन सा लगाओ अंकल अरसलान? फ्रूटर है, ये फ्रूटर लगा हुआ है, तो ये भी बड़े हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता मजीद, तो इनकी भी कितनी ज़्यादा छांव हो जाएगी। तो आप लोग भी पौधे लगाएं, ये तो खूबसूरती, हरियाली, साया, उसके बाद ऑक्सीजन, पोल्यूशन, सारी चीज़ें खत्म होंगी और बाजा बजाने से कुछ नहीं होगा। अब ये देख लो ऐसे जैसे बरात पे बाजे बजाते हैं ना सारे इकट्ठे हुए बाजे वाले, और ये रूहान भी इसमें शामिल है, ये नई जो है ना नई बाज आ रहे हैं, ये देख लो। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम मुका के आ गए हैं, पसीने मसीने आ गए हैं, तो लेकिन काम शाम हमारा कम्प्लीट हो गया सारा। तो यार थोड़े मीरब के साथ इंस्टाग्राम ही बना लिया, मैं कहा चलो इंजॉय हो जाएगा थोड़ा सा, पिक्चर विक्चर खींच ले जाए अगर तैयार हो गए हैं आपके भाई ने साल में पहली बार नहा लिया तो, बल्कि दूसरी बार ईद में भी तो नहाया था। पापा क्या कहना चाहेंगे आप इनके बाजे सुन के, क्या कहना चाहेंगे? इतना मैंने ना बजाओ बाजे। अच्छा भाई बात सुनो, सारे बताओ बाजा बजा के तुम लोगों को क्या मिलता है? अच्छा लगता है। क्यों? अच्छा क्या लगता है बाजा बजा के? अच्छा लगता है। तो बाजा बजा के फायदा क्या होता है? इससे कोई और काम कर लो, ये बाजा लिया इससे बेहतर था इनके कोई दरख्त वगैरह लेके लगा लेते ताकि शेडो हो जाता। तो यार इस बार आप लोगों ने गर्मियों में देखा कि पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई रहा है और कितनी ज्यादा गर्मी रही है पाकिस्तान के अंदर, और हर बंदा अमीर से अमीर गरीब से गरीब हर बंदा गर्मी से परेशान था, ठीक है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन हम सबको पता है, हर जगह पे हर बंदा कहता है दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ। तो भाई अब ये देख लो, ये देख रहे हैं सुगात, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है 14 अगस्त पे। इवन मेरे घर के अंदर भी रूहान साहब ने, उन्होंने इतना डांटा है ये बाजा खरीदने से। तो खैर ये जो बाजा है ये है 300-400 रुपए का, और जो दरख्त हम सुबह लेके आए वो है 200 रुपए का, 150-200-100 रुपए का भी मिल जाता है, ठीक है। 100-200 का दरख्त लगाना बेहतर है, ये 300-400 का बाजा लेना बेहतर है। ये बाजा गया,
इस बाजी का कोई फायदा नहीं है भाई साहब, इसको दफा करें। ना कायदे आजम की कोई बारात है, ना कोई पाकिस्तान की शादी हो रही है, ठीक है। तो हमें चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि जो आने वाली जनरेशन है कम से कम हम लोगों को बदुआएं ना दे, ठीक है। सीधी सी बात है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, हम अपने नेबर्स के अंदर देख लेते हैं, इंडिया हमसे उनका कितना एरिया ज्यादा है। उनका फॉरेस्ट रेट है 21%, कंट्री कवर्ड है फॉरेस्ट से। और उसके बाद जो कम से कम फॉरेस्ट रेट है 15% होना चाहिए हर कंट्री के अंदर, लेकिन इंडिया का इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद 21% फॉरेस्ट रेट है। और अगर हम नेपाल वाली साइड पे चले जाए, उनका जो फॉरेस्ट रेट है, नेपाल का फॉरेस्ट रेट है 45%, विच इज वेरी गुड अमाउंट। और मैं तो नेपाल गया अभी हूं, मैंने वहां इवन हमने फील किया कि अभी जब गर्मी का मौसम था तब भी काठमांडू के अंदर टेम्परेचर 20-25 के बीच में रहता है, और मैक्सिमम जो रिकॉर्ड किया गया वो 30 है, ओनली 30। और अगर हम भूटान की तरफ चले जाए, वहां तो अन्य वाह जंगल है पाइन, वहां 70% के करीब जो है फॉरेस्ट रेट है, विच इज अनबिलीवेबल, ठीक है। यूरोप का तो जी हमें पता ही है फॉरेस्ट रेट वहां बहुत है, कि वहां बड़े पौधे हैं, लेकिन हम अपने एशिया की बात ही कर लें तो मैं देख लो आपको एशिया की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यार इंडिया का 21% हो गया फॉरेस्ट रेट, नेपाल का 45% फॉरेस्ट रेट, भूटान का 70% फॉरेस्ट रेट। अब अगर हम अपने पाकिस्तान के फॉरेस्ट रेट की बात करें, विच इज ओनली 5.5%। तो हम जितनी भी खबरें देखते हैं, हमें नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है, पोल्यूशन, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट रेट है वो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। लेकिन अभी जो है शुक्र है अल्लाह का, गवर्नमेंट ने भी फोकस किया और पाकिस्तान की आवाम को भी थोड़ी सी होश आई है, ठीक है। इस बार पिछली बार से बाजे भी कम बजाए गए हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो इस चीज को अप्रिशिएट करना हमारा बनता है, फर्ज है। और अगर देखा जाए तो हमारे काफी सारी स्कीम्स चली हैं, पहले 2019-20 के अंदर भी स्कीम चली है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट रेट थोड़ा सा 4.5 से 5.5 हो गया, ठीक है। अब हमारे फिर से स्कीम्स आई हैं, तो हमें चाहिए कि हम खुद भी, गवर्नमेंट तो कर रही है, हमें साथ साथ चाहिए कि हम लोग खुद भी दरख्त लगाएं, बाजे बूजे बजाने का कोई फायदा नहीं है। सो आई होप आप लोगों को मैसेज समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और इस व्लॉग को आप लोगों का काम है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबकी तरफ हमारा ये मैसेज पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। इस वतन पे जानो दिल कर पाए वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी ये वतन हमारा, कर पाया कितनी आजादी लाए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ही।